सॉरी वो बेड लगेज के लिए, ऑब्वियसली पेशाब करने के लिए। मैंने कभी नहीं देखी भाई इतना फेमस। इस जमाने की सीरियल में पैदा हुई थी। आज सुबह सुबह जो कपड़ा है उसको क्लीन करूंगी, क्योंकि कल रात को मुझे मन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, काफी लेट भी हो गया था और मन भी नहीं हुआ। इसके भी सब डिटर्जेंट डालने के लिए है यहाँ पर, बट मैं इसे डाल देती हूँ। और सुबह सुबह उठ के मतलब मैं जब तक गर्म पानी ना पीऊँ तो मेरी तो मतलब गला ही नहीं खुलती है, तो पहले गर्म पानी पी लेती हूँ। और ये वॉशिंग मशीन चल रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है। चलो और पिंकू को भी उनका गर्म पानी दे के आते हैं। क्या आप फिर से सो गए? ये लो गर्म पानी। सुबह सुबह इतना जल्दी से नींद नहीं दूँ। बस वो जब बर्तन सब क्लीन हो जाए ना और सिंक बिल्कुल क्लीन हो तो दिखने में कितनी अच्छी लगती है। मन होता है कि ऐसे ही रहे और कुछ ना करो। अरे आंटी ने लाइज़ोल यहाँ पर रख दिया। मैंने बिग बास्केट से जो ऑर्डर किया था ग्रोसरी वगैरह वो सब कुछ आ गई है। पिंकू ने जाके ये नीचे सब लेके आए हैं, तो ये सबको अभी क्लीन करूँगी और फिर बालकनी पर रख लूँगी। और ये मैंने इस बार जो बिग बास्केट का फ्रेश तो ऑर्गेनिक वाला ये घी लिया है, तो मैं ट्राई करूँगी ये कैसा आ रहा है देखते हैं। और ये अच्छा बात ये है कि ये लोग ग्लास की बॉटल में दे रहे हैं, तो देखते हैं। और अभी ये है मेरी किचन की हालत, कपड़ा तो क्लीन हो गया, ये अभी सुखाऊंगी मैं। और ये अभी आप देखो हालत किचन की आजकल, मतलब सब्जी आ रही है ना, सच में मेरी मतलब हेडेक मतलब होना स्टार्ट हो रही है। तो आलू प्याज तो वैसे रख दूंगी, पर सब्जी को मतलब नहीं रख सकती। जो मेथी पालक वगैरह ये सब है ना, इसको सबको, मशरूम वगैरह, इसको मुझे प्रॉपरली अच्छे से धो के फिर से रखना पड़ेगा ये सब कुछ। भगवान इतना खत्म हुआ है और भी अभी इतना मुझे धोनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोम्यास लाइफ। होप कि आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं सोच के रखी थी ना कि कल और परसों, मुझे याद नहीं, बट कल मैंने जो व्लॉग है वो लगभग वही 12 बजे स्टार्ट किया था। कल मैं जल्दी ना के आ गई थी तो मैंने व्लॉग जो है 12 बजे स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए आज मैं सोच के रखी थी कि जो मतलब मुझे लग रहा है शायद 2-3 दिन हो गया मैंने अर्ली मॉर्निंग वाला व्लॉग शायद शूट नहीं किया है, मतलब उठने के बाद, मतलब जब भी अभी तो मतलब अर्ली मॉर्निंग में तो 9 बजे उठ रही हूँ, 8:30-9 बजे। तो मैं जब भी उठ रही हूँ तो मैं सोच रही थी कि स्टार्ट करूँ, बट नहीं, मेरे सोचने से क्या होती है, तो वही जो होना ही होगा, मेरे सोचने से या किसी के सोचने से कुछ नहीं होगा। आज सब्जी आ गया, तो सब्जी जो है 8:30 बजे लगभग ऐसे कुछ आ गया। तो फिर ब्रेकफास्ट वगैरह खत्म करते और थोड़ा बहुत काम निपटा के मैं गई सब्जी क्लीन करने 10:30 बजे। और 10:30 बजे मैं जो सब्जी क्लीन करने गई, मुझे खत्म करते करते उसको मतलब लगभग 12-12:15 बज गया। पता नहीं आप लोग सब कैसे मैनेज कर रहे हो, बट आज ना बहुत सारा मतलब जो साग होता है, जो पालक था, मेथी था, पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता और बाकी सब सब्जी, बैगन वगैरह, टमाटर वगैरह, वो सब क्लीन करने में भिंडी वगैरह टाइम नहीं लगती, बट ये जो साग वगैरह होती है ना, इस टाइप की जो पालक, पुदीना और ये मेथी वगैरह, इसको एक एक चुन चुन के और क्लीन कर रही हूँ ना मैं। ऐसी एक हूँ पर्सन, तो अच्छे से ही करूँगी, कर रही हूँ तो अच्छे से करूँगी। तो ये सब करते करते मतलब मुझे लगभग 12-15 बज गया। फिर मेरा कपड़ा भी क्लीन हो गया था सुबह से, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं उसको भी सुखाने दूँ। फिर वो खत्म होने के बाद मैंने कपड़ा सुखाया, तो ऐसे करते करते मुझे 12:30 मतलब 12:30 हो गया। तो उसके बाद मैं सोची कि अभी खाना में मतलब बनाऊं क्या, और वो सबसे बड़ा काम है। अगर आप सोच के रखते हो दाल चावल कुछ भिगा देती हूँ पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट चावल जैसे कि मैंने बोला था नहीं, मैंने सोचा चलो मेथी वगैरह भी है वो सब वैसे भी जल्दी खराब हो जाएगी, तो मेथी का और आलू का पराठा बना लिया। और अभी मतलब मैं नहा के आई 2 बजे और अभी मतलब मैं इतनी थक गई हूँ, तो अभी लंच करूंगी और उसके बाद फिर से मुझे वीडियो एडिट भी करनी है, कल के वाला जो वीडियो है वो। आप लोग बोलो यार, आप लोग कैसे मतलब सब्जी वगैरह जब आ रही है तो क्या कर रहे हो, साग वगैरह कैसे क्लीन करके रख रहे हो या फिर ऐसे ही निकाल के रख रहे हो, क्या कर रहे हो? लंच तो बन ही गया था और ये भी आ गए नहा के, तो ये है आज पूरा क्लीन सेव हो गया हूं मैं। तो ये आज की लंच, आलू और मेथी पराठा। आलू और मेथी पराठा बहुत बना दिया ना।
हाँ और कम खाना नहीं बनाऊंगी रात को, सोच के सोच के बना लिया ना। नहीं पांच ही बना है आपको, अगर ज्यादा अच्छा लगेगा तो आपको अच्छा लगता है, आपको मन होता है खाने के। बटर चाहिए आपको? नहीं, ये बोल रहे तो सिर्फ मेथी का बनाओ, बट सच में मेथी का खाली मेथी का खाना कुछ भी नहीं होता, बहुत मजा आता है उसमें था, उसके साथ थोड़ा अचार लगा के खाते मस्त लगता है। अब ये वाला कैसा लग रहा है? ये तो आलू और स्टफिंग होगा, एक ही आलू डाला है मैंने स्टफिंग डाल के, क्योंकि वैसे वो आटे में गून के बनाते हैं मेथी वाला, वो पता नहीं मुझे क्यों उतने अच्छे लगते हैं, मुझे स्टफिंग मतलब जो अंदर डाल के वो प्रॉपरली वो ही चाहिए होता है, वो अच्छा लगता है यार। बस बस आज पता नहीं इतनी बस अभी हम लोग दिखाई दे रहे हैं कि नहीं वो पता नहीं, बट यस बस चला गया। 30 सेकंड वेट करो, 30 सेकंड के बाद ये करंट आएगा, काउंटडाउन स्टार्ट। हो गया 20, कहां 30 सेकंड हो गया, 20 हो गया। तुम्हारा सेकंड क्या है मतलब 1 2 3 4 5 6 कैसे जाता है? अभी फोकस हो जाएगा कि नहीं वो पता नहीं थोड़ा। ये मैंने जो कल की मेरी वीडियो थी वो अपलोड पे बिठाई है, पर पता नहीं आज ये जाएगी भी नहीं, तो तब से अपलोड लगाया है मतलब पिंकू 1 घंटा हो गया ना, 1 घंटा हो गया अभी, मतलब 40% अभी तक हुआ है, 43 अपलोड होगा, प्रोसेसिंग होगा, पता नहीं और आज शायद जाएगा ही नहीं। और अभी हम आज मैं पी रही हूँ ग्रीन टी और पिंकू तो उनका वही मिल्क वाला टी। शक्ल दिखाओ जरा, और मैंने बना के नहीं दिया इसलिए आके खुद बना रहे हैं आज गुस्सा होके। मैंने बोला कि ग्रीन टी पियो, बोले कि नहीं मैं तो ग्रीन टी नहीं पी पाऊंगी। राइट, पी पाऊंगी नहीं, पी पाऊंगा सर। ओके, ग्रीन टी नहीं पी पाऊंगा मैं। ओके, और हमेशा ना ये खाने में क्या बनाऊं वो ये मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, फिर से अभी रात में क्या बनाऊं, दिन का खत्म अभी रात में क्या बनाऊं, यही बात सोचती रहती हूं मैं। कितना हंसी, बहारो फूल बरसाओ। और ये भिंडी आपने इतना सारा क्यों ऑर्डर किया है? भिंडी आप तो खाते नहीं हो खुद, और इतना सारा भिंडी क्यों? भिंडी खाने के लिए और ये जो भिंडी है मतलब 16 रुपए में मिला है, ठीक है, भिंडी खाने के लिए मुझे मना है थायराइड के लिए। बट तुम तो, तुम्हारा फेवरेट फूड है भिंडी, मैं कभी कभार खाती हूँ तो ठीक है, मैं भी भिंडी खाता हूँ, लेकिन भिंडी के अंदर मसाला डाल दो नहीं तो भिंडी का, अरे इतना सारा कंटिन्यूअसली मैं नहीं खा पाऊंगी, हफ्ते में मैं एक ही बार भिंडी खाऊं। तुमको भी पता है बिग बास्केट का ऑप्शन 500 ग्राम और 1 किलो होता है, तो आंटी को दे दो, तो 500 आंटी को थोड़ा दे दो अगर मन कर रहा है, क्योंकि भिंडी ज्यादा दिन नहीं रहेगी और हफ्ते में मैं एक ही बार भिंडी खा पाऊंगी। पहले बोलो भिंडी लड़की है कि लड़का है, वो मुझे नहीं पता, ज्यादा दिन नहीं रह पाओगी बोले, बोला ले पाओगा भी बोल सकते हैं। हाँ रह पाएगी या रह पाएगा, अच्छा लेडी फिंगर, हाँ लेडी फिंगर वो रह पाएगी। और आज क्या स्पेशल बन रहा है खाने में पता है मेरे को, फिर भी आप बोल दो एक बार कैमरे के सामने। आज पतिदेव के लिए बन रहा है मशरूम चिली और वेज फ्राइड राइस। वेज फ्राइड राइस कम शिजवान फ्राइड राइस और वेज फ्राइड राइस, नहीं शिजवान का मसाला नहीं है मेरे पास, जस्ट नॉर्मल वेज फ्राइड राइस। अच्छा वेज फ्राइड और मशरूम चिली, तो लोग सोच रहे होंगे मैं क्या क्या मतलब रोज रोज कैसा अच्छा अच्छा खाना खा रहा हूँ, मतलब ऐसा लोग सोच रहे हैं और कमेंट में भी डाल रहे हैं, भाई आप कितना लकी हो आप इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो। भाई एक चीज बोलना चाहता हूँ, दोनों तो फूडी है बट लॉकडाउन में करेंगे भी तो क्या करेंगे, ये खाना तो थोड़ा बहुत अच्छा खा ले। हाँ। और यहाँ पर एक कॉल आया है और इनका मम्मी जो कि हमेशा रात को कितना बजा है 9:50 ये टाइम में फोन नहीं करते हैं। और ये देखिए, अच्छा ये चिल्ली मशरूम के लिए की फ्राइड राइस, अच्छा ठीक है सॉरी, और मशरूम के लिए भी है, गाजर है, कैप्सिकम छोटा छोटा है, बीन्स भी छोटा छोटा करके, स्प्रिंग ऑनियन भी छोटा छोटा बारी बारी करके, मतलब बारी हुआ बारी कटा हुआ, बारी कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन यहाँ पर रखे हैं, तो ये सब कुछ, और ये पूरा छोटा छोटा इसको कट करने में यार बहुत मेहनत लगती है सच में, ये बैठ के छोटा 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 करके कट करके। जे यहाँ पर बासमती राइस हम लोग पूरा भिगो के रखे हैं, हो गया जल्दी, भूख लग रहा है, और कितना टाइम लगेगा? हो गया बस 5 मिनट, जब अच्छा खाना बनता है तो फिर आपको बहुत जल्दी भूख लगती है ना। आज देखो फिर से कमेंट आएगा, जो आप रेसिपी नहीं दिखाए, ठीक है आज देखो ना फिर से कमेंट आएगा आप रेसिपी नहीं दिखाया, हमेशा ऐसा ही करते हैं, मतलब खाना जब भूख लगे। आज मैं थोड़ा बाकी काम में बिजी थी और वैसे भी आज थोड़ा मतलब गुड न्यूज भी एक था, तो वो मतलब मैं फोन पे लग गई थी, गुड न्यूज मिल गया तो मैं चले गए वहाँ पर बात करने के लिए, बट सीरियसली वो भी गुड न्यूज बहुत बड़ा न्यूज था। हाँ। तुम क्या बन गई? तो मैं फिर से बहन ही बनी। हाँ मतलब ज्यादा कुछ, तो मेरा चाचा जी मतलब जो मेरी है तो उनका एक बेटा हुआ है आज, तो इसीलिए तो बात कर रही थी थोड़ा घर पे। हाँ
तो इसलिए आज रेसिपी बनाना रेसिपी नहीं दिखा पाई, बट ये जो मशरूम चिली मशरूम भी यहाँ पर रेडी और यहाँ पर फ्राइड राइस चल रहा है। बट यहाँ अगर अभी रेंडमली रेसिपी बोलेगी नहीं दिखाई तो बोलेगी क्या चिली मशरूम में क्या क्या डाले हो बोलो। कुछ भी, हाँ कुछ भी, क्या कोई समझ नहीं पाएगा। मैं और किसी दिन दिखाऊंगी पक्का, वो अगर थियोरी में रेसिपी में समझाऊंगी तो समझ में नहीं आएगी, ये प्रैक्टिकल वाली चीज है, बोल के दिखाओ कुछ भी। ओके ठीक है, तो फ्रेश होके आ गई और अभी थोड़ा मतलब एनर्जी आ गई मुझ में फ्रेश होके आने के बाद, और ये वाले टी शर्ट पहनने के बाद ना मुझे एनर्जी आ जाती है, तो मैंने बोला चलो मतलब फिर भी उसमें एक मिस है। क्या मिस है? मैं हमेशा बोलता हूँ रेड कलर के साथ। हाँ इसमें इनको बिंदी चाहिए होती है रेड कलर की। अभी सोने ही जाऊंगी, अभी रात को कौन देखेगा मुझे बिंदी में। मस्त बनी है सच में आज। पिंकु कैसा बना है? मस्त 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 मस्त। ये तो मैं मतलब खुद से बोल सकती हूँ कि ये बहुत अच्छी बनी है। और हमने मतलब और मेरे को मैं भी खा रहा हूँ पीछे से कैमरा के पीछे से। खाना कैसा हुआ बोलो? खाना तो मस्त मस्त। और सब और इनका और मेरा डील भी हुआ है ना, इसीलिए इनको मस्त वाला खाना मिल रहा है। ये मुझे जितना शॉपिंग करवाएंगे मैं उनको उतना अच्छा अच्छा खाना खिलवाऊंगा। राइट हाँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं, कल तो बोले थे यही बात हुआ था। भूखा वो वाला वीडियो चला गया ना, अभी नया वाला वीडियो आ रहा है ना। ये भूखा वाला, भूखा वाला डील खत्म, डील खत्म हो गया है, डील खत्म। अच्छा ऐसा चीटिंग कर रहे हो। और जब खाना अच्छा होता है तो देखो प्लेट कैसे क्लीन हो जाता है। ये मुझे और धोना भी नहीं पड़ेगा मुझे लग रहा है। जूम करो, जूम करके दिखाओ। हाँ दिखा रहे हैं, पर ए रुको, जूम करके दिखाओ। दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, साउंड हो रहा है। ऑब्वियसली वो टूट जाएगा प्लीज। ये एक तुम टूट दिए होल। हाँ एक तो मेरा टूट गया है। आईकिया जाना पड़ेगा, अब ऐसा आईकिया वाला यहाँ पर डिलीवर भी नहीं कर रहे। मैं सोच रही थी एक ऑनलाइन से ले लूं इस तरह की एक दूसरी, बट हम लोग आईकिया वाले। हाँ हम लोग दिखाई दे रहे हैं। ये आइकिया से लिया था मैंने यार, ये बहुत अच्छी मतलब ये ब्रेकफास्ट इडली उपमा वो सब और ऐसा वाला खाना खाने के लिए ये बहुत मतलब मस्त है। ये जो प्लेट है ना मतलब सब बॉल जैसा हाइट है और प्लेट जैसा फ्लैटनेस भी है, ये बहुत मतलब हैंडी। आप इसमें कुछ भी खा सकते हो, लाइक जैसे वन बॉल मिल खाते है ना इस तरह से। और बहुत ये व्हाइट कलर में मुझे बहुत अच्छा लगता है, राजमा चावल भी तुमको अच्छा लगता है? हाँ राजमा चावल वगैरह भी। और भी मैं खा लेता, और भी खाने के लिए मन कर रहा था, बट रात हो रहा है तो थोड़ा ज्यादा नहीं खाऊंगा बल्कि इनको मना किया, लेकिन इतना टेस्ट हुआ था आज अच्छा। डेफिनेटली मैं और कभी ये वाला रेसिपी पक्का। गाली देना भाई मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में जितना गाली दे सकते हो दे दो जितना, क्योंकि रेसिपी बनाने के लिए उनको बोला था। आपके लिए तो फायदा है, फिर से ये वाला टेस्टी खाना बनेगा और कुछ दिनों के बाद। हां सही बात है, फ्री मंडन वगैरह सब कुछ है ना मेरा फ्रिज में। सही पकड़े ही है, सही पकड़े हो। बस मशरूम नहीं है वो सीरियल देखते थे आप, सही पकड़े हो। सही पकड़े हुए डायलॉग तुमको पता नहीं है? कौन सी डायलॉग? बिग बॉस का शिल्पा जो आई थी हिना कैन के साथ, उनको पता है तुमको? हाँ। तो वो कौन सा सीरियल कर रही थी? सीरियल कर रही थी वो मुझे नहीं पता। भाभी जी घर पे है बट मैंने कभी नहीं देखी भाई, इतना फेमस तो किसी किसी का होता है। किस जमाने की सीरियल में पैदा हुई थी अभी मतलब कितना सालों का पुराना है क्या? एनटीवी में देता भाभी जी घर पे है क्या? एनटीवी में कभी भी नहीं देखी हूँ इसलिए, एनटीवी में कभी भी सच कसम से वो सीरियल देखना इतना कॉमेडी है और इतना अच्छा लगता है। शिल्पा, शिल्पा तो वहीं से मतलब नाम की थी ना मतलब वो सीरियल से, भाभी जी घर पे उनका वो फेमस डायलॉग है। सही पकड़े हो, ये डायलॉग सुने हो कि नहीं? सही पकड़े हो। कभी नहीं, छोड़ दो, माफ कर दो, मैं उनके तरफ से माफी मांग रहा हूँ, जो मतलब हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। उसको पता नहीं क्यों और मैं इनको पता है आप लोग को भाई, अगर राखी आ रही है और मैं इनको राखी बांधने वाला हूँ ना। हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, सभी बीबी में बांध रहे होंगे, मतलब जिसका बहन नहीं आ पा रही है और लॉकडाउन में यहाँ पर बैठे हैं तो सभी बीबी ही बांधेंगे, और हम लोग ऐसे करके ऐसे ऐसे करके मैं कैसे बांधू मैं? कार्टून के तरह क्यों होते हो कभी कभी? कार्टून हो बिल्कुल। खाना रह रहा है और वो कल लंच के लिए कुछ नहीं बनाएगी। हाँ इतना नहीं, ये क्या होता है रात को जब तुम उठते हो सुसु करने के लिए उस टाइम में खा लेते हो। के पास क्यों करते हो? अरे सॉरी वो बेड लगेज के लिए, पेशाब करने के लिए। के पास ना आप मतलब आपसे ही कोई करना चाहिए। ये आप लोग इनकी बकवास मत सुनो। ओके गाइस तो चलिए ये जो व्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर रही हूं, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, और जो टिक 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 वाला बेल बटन है उसको भी दबा देना। सो फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।
갑자기 내게 나타나죠 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 ओके गाइस तो चलिए फिर क्या 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 ओके अच्छा ओके गाइस फिर चलिए क्या है थोड़ा 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 बोलो बोलो ओके गाइस तो चलिए अगर क्या ओके गाइस थोड़ा थोड़ा चलिए फिर अगर तुम ही तो बोल रहे हो थोड़ा चलिए कहाँ जाना है तुम वो तो बोलो कहाँ जाना है कहाँ लेके जाने वाले हो ओके लिव दैट अच्छे से बोल दो सॉरी हाँ चल